इसे कहते हैं सोचने की फल्ली, ये बैगन की फल्ली है। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे खट्टी दाल विथ ड्रमस्टिक, को सोचने की भी फल्ली कहते हैं। मैंने लिया है आधा कप तुअर दाल और आधा कप मसूर की दाल। में हम ऐड करेंगे हाफ स्पून जिंजर, हाफ स्पून गार्लिक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, दो टोमेटो, कलिया पाक, हरी मिर्च और सूखी मिर्च। मैं इसमें डालूंगी टमाटर, तीन हरी मिर्च, थोड़े से कलिया पाक, इसमें डालेंगे पाव टीस्पून हल्दी, टू टीस्पून ऑफ नमक। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। तीन सीटी के लिए आप इसको प्रेशर कुक कर ले। आप देख सकते हैं ये सूजने की फली है। आप इसको ऊपर का ये छिलका क्लीन कर ले और आप इसको ऐसे पीसेस में कट कर ले। हम इसको एंड ऑफ द, जब ये बन जाएगा दाल, तो हम इसको लास्ट में ऐड करके सिमर करेंगे। सो हमारी दाल प्रेशर कुक हो चुकी है। हम इस दाल को घोट लेंगे। हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, दो चम्मच मिर्च, मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, सो मैं एक और आधा चम्मच ऐड करूँगी, टू एंड हाफ को मिक्स कर लें। अब हम इसमें हमारा खट्टा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से कलिया पाक, और हम इसको चार मिनट के लिए सिमर होने देंगे। ओके, सो अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ड्रमस्टिक्स ऐड करेंगे, बंच ऑफ धनिया को हल्के से मिक्स कर ले। आप इस टाइम पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, देखें कि नमक ज़्यादा या कम हो, मेरा तो परफेक्ट है। तो अभी हम इसको चार मिनट के लिए सिमर करेंगे और हम इसको तड़का लगाएंगे। सिमर हो चुका है, अब हम इसमें हमारा तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम लेंगे एक पैन, इसमें हम ऐड करेंगे टू टीस्पून ऑफ ऑयल, ऑयल को हीट होने दें। हम इसमें ऐड करेंगे हाफ ए टीस्पून ऑफ ज़ीरा, सूखी मिर्च, थोड़ी सी कलौंजी, करी लीव्स, हमारा बगार रेडी है। अब हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। इसको दो मिनट के लिए सिमर कर लें। देख सकते हैं कि ये भी जो है पक चुका है। सो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड करता है हमारी दाल में। हमारा डिश रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।